सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विनायक सैंडी वाचिंग योर फेवरेट चैनल द यूपी 46 राइडर। तो आज हमारे साथ खड़ी हैं दोनों ही सुपर नेगेट बाइकें। एक तरफ है आपकी टीवीएस की अपाची आरटीआर 310, दूसरी तरफ है आपकी बजाज की पल्सर NS 400। तो आज की वीडियो में इन दोनों बाइकों का एक कंपेयर वीडियो होने वाला है। टोटल डिटेल कंपेयर वीडियो होगा, हेड टू हेड कंपेयर करेंगे कौन सी बाइक में ज़्यादा फीचर आ रहे हैं, कौन सी बाइक ज़्यादा प्राइस पॉइंट पर आ रही है, किसके टायर अच्छे हैं, किसके सस्पेंशन अच्छे हैं एंड किसके पावर फिगर्स ज़्यादा अच्छे हैं। तो बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको सीधा वीडियो की तरफ और दिखाते हैं एक एक डिटेल कंपेयर। तो पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी बाइक आपको लेने लायक है या नहीं है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। स्टार्ट करेंगे फ्रंट से। अगर फ्रंट की हम बात करेंगे तो फ्रंट लुक में आपको ऐसा दिख रहा है, बट यहाँ पर अगर लुक की बात करें तो अपाची आरटीआर 310 काफ़ी अच्छी दिख रही है NS के मुकाबले। NS का जो लुक है थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा मतलब N250 से मिलता हुआ लगता है, बट NS जो आपकी RTR का लुक है एकदम बेहतरीन लुक निकल के आता है। दोनों के टायर साइज़ की बात करेंगे तो दोनों गाड़ियों में आपको आगे 110 सेगमेंट के टायर देखने को मिल जाते हैं। अलॉय की बात करेंगे तो आपको 17 इंच के अलॉय दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं, बट टायर में जो डिफरेंस है आपको NS 400 में MRF के टायर देखने को मिलते हैं। वहीं बात करेंगे RTR 310 में तो यहाँ पे आपको मिशलिन रोड 5 के टायर देखने को मिल जाते हैं रिटेल, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। बट वहाँ पे NS का जो फ्रंट टायर है भाई, वहाँ पे थोड़ा सा NS डाउन हो रही है क्योंकि वो टायर अच्छी ग्रिप नहीं देता है, ना ही वो रेडियल टायर है। अब हम बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन की। तो भाई फ्रंट सस्पेंशन में आपकी RTR 310 में 41mm के सस्पेंशन यूज किए गए हैं और यहाँ पे सस्पेंशन पे कोई ब्रांडिंग नहीं की गई जैसा कि आप देख पा रहे हो। वहीं अगर हम बात करेंगे NS 400 के सस्पेंशन की तो यहाँ आपको NS 400 का सस्पेंशन दिखाता हूँ। 43mm के सस्पेंशन इंडोरेंस का सस्पेंशन USD सस्पेंशन यूज किया है बजाज ने, दोनों में आपको USD सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, बट जो थिकनेस है यहाँ पे आपको 41mm का RTR में 41mm का मिलता है और NS में आपको 43mm का सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि लुक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब हम बात करेंगे दोनों गाड़ियों के इंजन की। तो भाई इंजन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको NS 400 का जो इंजन है आपको इसमें 373 cc का लिक्विड कूल्ड 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पावर देता है 40 PS का एंड टॉक की बात करें तो 35 Nm का टॉक जनरेट करके देता है। वहीं अगर हम बात करेंगे अपाचे के इंजन की तो यहाँ पे आपको 310 cc का लिक्विड कूल्ड 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको पावर देता है 36.5 PS का एंड टॉक की बात करें तो भाई 28.7 Nm का टॉक जनरेट करके देता है। तो यहाँ बजाज के मुकाबले अगर देखा जाए तो आपको RTR में पावर कम देखने को मिलती है, टॉक भी कम देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के हेडलाइट की। तो भाई RTR में आपको डायनेमिक हेडलाइट देखने को मिल जाती है और NS 400 में आपको नॉर्मल प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है, फ्रंट से लेकर बैक तक सारी लाइटें आपको LED देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो रहा इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट की बात और इंजन की बात। अब हम आपको ले चलते हैं दोनों गाड़ियों के साइड टू साइड। तो साइड से अगर दोनों गाड़ियों की बात करें भाई, तो साइड से आपको देखो ऐसे दिखती है। यहाँ पे एग्जॉस्ट की बात करें तो NS 400 में आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है और RTR 310 में आपको एक्सटर्नल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा ओवर लगता है RTR के मुकाबले। अब हम वही बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो एक बार मैं ले चलता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ एंड मीटर की तरफ। तो दोनों गाड़ियों में आपको TFT डिस्प्ले यूज़ की गई है, फुल्ली डिजिटल मीटर यूज़ किया गया। तो एक बार दोनों गाड़ियों का दिखाते हैं आपको चला के मीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको RTR के मीटर कंसोल के। तो यहाँ पे आपको कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि ऐसी है कुछ, आप देख पा रहे होगे ये। वहीं अब हम ले चलेंगे आपको NS 400 पे। तो NS 400 की अगर हम डिस्प्ले ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको भी कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, पहले आपको मैंने दोनों गाड़ियों का दिखा दिया। तो चलो सबसे पहले हम NS से स्टार्ट कर देते हैं। तो NS में अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें भाई, तो यहाँ पे आपको 4 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये आपका RPM मीटर, टाइम भी देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड अलार्म भी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है और ये आपका गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, ओडोमीटर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर इंजन के स्विच ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो यहाँ पे DTE डिस्टेंस टू इम्पटी देखने को मिल जाती है, TRIP 1 TRIP 2, एंड यहाँ पे आपको डेट भी देखने को मिल जाती है। इसको अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे तो व्हीकल इन्फॉर्मेशन, कनेक्टिविटी, ट्रिप एंड बाइक, लैप टाइमर और सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो आपका
फेवरेट क्विक सेट ये तो आपके ओवरऑल बटन की सेटिंग्स हैं और ब्राइटनेस भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल आपको NS 400 में देखने को मिल जाता है, इंजन किल स्विच देखने को मिल जाती है, ABS देखने को मिल जाता है, न्यूट्रल लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। वहीं NS के हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे भाई आपको 4 बटन देखने को मिल जाती है जो कि आपके पूरे मीटर कंसोल को कंट्रोल करती हैं। एंड यहाँ पे आपको पास लाइट एंड लो बीम हाई बीम सिंगल बटन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न के बटन देखने को मिल जाती है और ये आपका इंडिकेटर का स्विच देखने को मिल जाता है। वहीं बात करेंगे अगर हम इसके क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर की तो भाई यहाँ पे आपको 5-स्टार एडजस्टेबल क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर भी देखने को मिल जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं RTR 310 की तरफ, तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो भाई RTR 310 का ये देखो आपको ऐसा कुछ मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, फुली TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एक बार मैं आपको फिर से ऑन करके ऑफ़ करके ऑन करके दिखाता हूँ, तो ऐसा कुछ भाई थीम ऑन करने पे आता है। यहाँ पे भी आपको 4 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे अभी गाड़ी अर्बन मोड में लगी हुई है। एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है, टाइम देखने को मिल जाता है, टॉप स्पीड अभी तक की गाड़ी गई है 162, एवरेज माइलेज देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर देखने को मिल जाता है एंड रेंज देखने को मिल जाती है। अभी एक बार आपको हम राइडिंग मोड दिखाते हैं। तो यहाँ अगर हम मोड्स की बात करें तो भाई जो ये आपका TFT डिस्प्ले है ये पूरा आपकी इन 4 बटन से कंट्रोल होता है जो कि NS में भी आपको मैंने दिखाया। तो यहाँ राइड मोड की अगर हम बात करेंगे भाई तो यहाँ पे आपको अर्बन मोड एंड रेन मोड, स्पोर्ट मोड एंड ट्रैक मोड एंड सुपर मोटो मोड, यहाँ पे आपको RTR में 5 मोड देखने को मिल जाते हैं। यहीं पे आपको क्रूज कंट्रोल भी इसमें देखने को मिल जाता है जो कि आपकी यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, सेट कर सकते हो अपना क्रूज कंट्रोल अपने किलोमीटर के हिसाब से। बाकी ट्रिप डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, माय व्हीकल देखने को मिल रहा है, सर्विस एंड परफॉर्मेंस, अपने सारे डॉक्यूमेंट भी इस गाड़ी में आप सेव कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है जो कि आपका NS में भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे इसके राइट हैंडल बार की तो राइट हैंडल बार पे आपको ढेर सारी बटन देखने को मिल जाती हैं। एक एक बटन के बारे में बताता हूँ भाई, यहाँ 4 बटन आपको NS में भी सेम ऐसे देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे आपको एक ये बटन देख रही है तो ये आपका इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। तो ये आपका क्रूज कंट्रोल का बटन है एंड ये आपका हैजार्ड का बटन है। और वहीं अगर हम बात करेंगे भाई तो इसमें भी आपका सिंगल बटन, लो बीम हाई बीम है एंड पास, तीनों चीज़ें एक ही बटन में हैं। क्लच लीवर एंड गियर लीवर की बात करेंगे तो यहाँ आपको RTR में 4-स्टेप एडजस्टेबल ब्रेक लीवर एंड क्लच लीवर देखने को मिलता है। हैंडल बार की बात करें तो दोनों में आपको ट्यूबुलर हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपको RTR में भी ट्यूबुलर हैंडल बार देखने को मिलता है। वहीं अगर हम NS की बात करेंगे तो NS में भी आपको ट्यूबुलर हैंडल बार देखने को मिलता है। NS में राइट हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इंजन किल स्विच बटन देखने को मिलते हैं जिसमें आपके तीनों पावर स्टार्ट से लेके और ऑफ तक तीनों बटन एक ही में कर दी गई है। ये देख सकते हो आप, यहीं से इंजन किल स्विच ऑन कर दोगे एंड यहीं से आप स्टार्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट की बटन देखने को मिल जाती है। तो राइट हैंडल पे आपको NS पे 3 बटन देखने को मिलती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 5-स्टेप एडजस्टेबल क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर देखने को मिल जाता है। सेम अगर हम आपको RTR पे लेके आते हैं राइट हैंडल बार पे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बटन देखने को मिलती है जिसमें आपका पावर स्टार्ट एंड इंजन किल स्विच दोनों एक ही में दिया गया है। ब्रेक लीवर की बात करें तो ब्रेक लीवर भी आपको 4-स्टेप एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों गाड़ियों में अगर ब्रेक की बात की है तो भाई ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे आपको NS में 320mm की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें आपको ग्रेमिका के डिस्क कैलिपर के साथ बजाज ने NS 400 में दी है। RTR के अगर हम ब्रेकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 300mm की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें आपको बाइब्रे के डिस्क कैलिपर के साथ देखने को मिलती है। बाइब्रे के डिस्क कैलिपर भाई मिशलन के रोड टायर, तो इनका जो ब्रेक कॉम्बिनेशन है बहुत तगड़ा होने वाला है NS के मुकाबले। अगर हम बात करें इन दोनों गाड़ियों के मुकाबले अगर हम बात करें तो NS के मुकाबले RTR 310 का जो ब्रेकिंग सिस्टम है बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छे मतलब ब्रेकिंग RTR 310 की है। तो ये तो रही इन दोनों के गाड़ियों के टेक्निकल मतलब स्पीडोमीटर की बात एंड फ्रंट से बात। अब हम बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के सीट्स की, तो RTR की अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको 800mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है भाई। अगर वहीं हम बात करेंगे आपकी NS 400 की तो यहाँ पे आपको 811mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। तो RTR से आपकी जो NS है वो थोड़ी सी ऊँची है, हालाँकि ऐसे देखने में नहीं लग रहा होगा कि ऊँची है,
बट जो स्पेक्स है वो भाई आपको वहाँ पे 811 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको 800 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। इन दोनों गाड़ियों के कैब वेट की बात करें तो आपकी जो RTR है वो 169 kg का कैब वेट के साथ आती है, वहीं अगर हम बात करेंगे आपकी NS400 तो ये भाई आपकी आती है 174 kg के आसपास, इस NS400 का कैब वेट आता है। तो अगर वेट में बात करें तो आपको NS थोड़ी सी हैवी लगने वाली है। अब हम बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के रियर से, अगर हम इन दोनों गाड़ियों की बात करते हैं तो रियर से दोनों गाड़ियाँ कुछ ऐसे दिखती हैं। वहीं अगर हम दोनों गाड़ियों के रियर टायर की बात करें तो आपको RTR में मिलने वाले हैं मिशलिन के रोड 5 150 सेगमेंट के टायर। अगर वहीं हम बात करेंगे आपके NS400 में तो यहाँ पे भी आपको 140 सेगमेंट के MRF के नॉर्मल टायर देखने को मिल जाते हैं। अगर अलॉय की बात करेंगे तो दोनों में आपको 17 इंच अलॉय के साथ देखने को मिल जाते हैं। बाकी रियर सस्पेंशन की बात करें भाई तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आपको KYB के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं मोनोशॉक, जो कि 5-स्टेप एडजस्टेबल है। वहीं अगर हम बात करेंगे भाई NS400 की तो यहाँ पे भी आपको एंडोरेंस के मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके 5-स्टेप एडजस्टेबल हैं। अब हम बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के ब्रेक की तो भाई यहाँ पे आपको NS400 में 230 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है, जो कि ग्रीम का डिस्क कैलिपर के साथ आती है। वहीं अगर हम बात करेंगे आपकी RTR 310 की तो यहाँ पे आपको 240 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिलती है, जो कि आपकी बाइबर डिस्क कैलिपर के साथ आती है। बाकी टेल लाइट की बात करें तो आपको पीछे RTR में पूरी LED टेल लाइट देखने को मिलती है, आपको NS में भी पूरी LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। सो ये रहा इन दोनों गाड़ियों का भाई क्विक कंपैरिजन। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये अपाचे RTR की बात करें तो आपका सबसे बेस वाला मॉडल है, इसमें आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है एंड क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है। बाकी NS की अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक ही मॉडल आता है, यही टॉप मॉडल है, यही भी बेस मॉडल है। और यहाँ पर आपको तीन मॉडल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक आपका बेस मॉडल हो गया, एक इसके ऊपर आएगा सेकेंड टॉप एंड एक आता है टॉप एंड वेरियंट। और यहाँ RTR में आपको तीन किट भी देखने को मिल जाती है, एक डायनेमिक किट देखने को मिल जाती है, एक रेस प्रो किट देखने को मिल जाती है, एक कलर कॉम्बिनेशन की किट भी आती है। अगर हम RTR के भाई जैसे तीन किट में जैसे मैंने बताया तो इसकी जो पहली किट आती है डायनेमिक वो आपकी 18,000 के आसपास पड़ती है, एंड वहीं अगर जो आपकी सेकेंड किट आती है इनकी डायनेमिक प्रो आपकी 22,000 के आसपास पड़ती है, और एक आती है इनकी कलर किट। तो जैसा मैंने बताया भाई इसमें जो तीसरी किट आती है वो आपकी कलर किट आती है, वो आपकी 10,000 की, उसमें आपको रेसिंग ब्लू कलर की पूरी गाड़ी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के पेट्रोल टैंक के, तो भाई पेट्रोल टैंक की बात करें तो यहाँ अपाचे में आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, वहीं अगर हम बात करेंगे आपको NS400 में तो यहाँ आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कोई USB चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है, NS में आपको यहाँ पे एक छोटा सा USB चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है, जैसे कि ये आपका, आप यहाँ चलते चलते अपनी गाड़ी भी चार्ज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के प्राइस की, तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये आपका है अपाचे RTR 310 बेस मॉडल, तो ये आपका ऑन रोड लखनऊ हमें पड़ा है 301,000 का, इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है RTR में। एंड यही NS की प्राइस सेगमेंट की बात करें तो भाई ये हमें पड़ी है लखनऊ में 227,000 की, तो करीब दोनों के प्राइस में भाई आपको करीब 70 से 75,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया वो आपका बेस मॉडल है, बेस मॉडल टू टॉप मॉडल में अगर प्राइस का कंपेयर करें दोनों गाड़ियों में तो 75,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। सो भाई ये थी आपकी वीडियो, अब आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आप 301,000 रुपये दे रहे हो तो आपको RTR देखने को मिलती है, 227,000 में आपको NS400 देखने को मिलती है, बट यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक बड़ा देखने को मिलता है, इसकी वजह से आपकी रेंज ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एक लीटर का फ्यूल टैंक छोटा देखने को मिलता है और रेंज थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जो बजाज इंजन दे रहा है बहुत ज़्यादा ही बटर स्मूथ इंजन है, आपको एकदम से वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलती है। आप अपाचे RTR 310 में बहुत ही ढेर सारी वाइब्रेशन के साथ ये गाड़ी TVS ने लॉन्च की है। आपको यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बताया था कि इनके साथ क्लाइमेट सीट कंट्रोल आता है, तो आप साथ साथ ही आपको मसाजर भी दे रहे हैं, आपके हैंड पे पैर पे हर जगह आपको मसाजर मिलेगा आप जब गाड़ी चलाओगे। और यहाँ पे आपको एकदम बटर स्मूथ इंजन मिलने वाला है, कोई जो है आपका कोई भी मतलब हैंड रेस्ट या फुट रेस्ट कहीं भी वाइब्रेशन नहीं आने वाला है। टॉप स्पीड की बात करें तो भाई ये आपको 161 पे आपका लिमिटर आ जाता है। ये गाड़ी मैंने अभी तक भगाई है 172 173 फिर भी लिमिटर नहीं आया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में मैं इन दोनों गाड़ियों की ड्रैग रेस डाल दूंगा, आप वहाँ भी जाके इन दोनों गाड़ियों की ड्रैग रेस देख सकते हो। दोनों के एक प्रॉपर रेस कंपेयर वीडियो है जो कि आई बटन में आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। बट आपको भाई थोड़ा ये है कि हाँ थोड़ा लुक ज़्यादा बेटर चाहिए, आपको यहाँ पर डायनेमिक हेडलाइट देखने को मिल जाती है, आपके एक्सीलेटर के हिसाब से आपकी लाइट का जो फोकस है वो बढ़ता जाता है,
यहाँ पे आपको नॉर्मल हेडलाइट देखने LED प्रोजेक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा मतलब प्रीमियम में जाना है, पैसा ज़्यादा है आपके पास, तो आप RTR की तरफ जा सकते हो। बट उसका एक माइनस पॉइंट है कि आपको साथ साथ वाइब्रेशन झेलना पड़ेगा। अगर आप कम पैसे में एकदम बटर स्मूथ इंजन, अच्छी खासी टॉप स्पीड और अच्छा खासा माइलेज लेना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा टूर करना चाहते हो, लंबी टूरिंग के लिए यूज करना चाहते हो, तो आप जा सकते हो NS में। आप करीब करीब आपका 75,000 रुपये की बजट हो रही है आपको NS में, और अपाची के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन मिल रहा है, बड़ा पेट्रोल टैंक मिल रहा है, एंड आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन कैपेसिटी का इंजन मिल रहा है, जो कि आपको काफ़ी टेस्टेड इंजन है आपका, और लॉन्ग ट्रिप कर सकते हो। तो ये थी आपकी फाइनल वीडियो। आप लोगों को तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। नीचे अपना सोशल मीडिया हैंडल आ रहा है इंस्टाग्राम का, आप जाके इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, सारी अपडेट वहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है भाई। इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।